आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। बॉलीवुड के गलियारों की पांच बड़ी खबरों के साथ। जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टार मुंबई सागा का टीजर हुआ रिलीज। गंगूबाई काठियावाड़ी का पोस्टर और टीजर हुआ रिलीज। 23 जुलाई को सिनेमा घरों में आएगी ये फिल्म। शाहिद मना रहे हैं 40वां जन्मदिन। मीरा ने रोमांटिक नोट शेयर कर पति शाहिद को किया बर्थडे विश। तनु बैट्समैनों के 10 साल। कंगना रनौत बोली, इस फिल्म ने मेरे करियर की दिशा बदल दी। मैं श्रीदेवी के बाद कॉमेडी करने वाली इकलौती एक्ट्रेस बन गई। ब्राह्मण समाज के विरोध के बाद कन्नड़ फिल्म पोगारू से 14 विवादित सीन हटाए गए। मेकर्स बोले, फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खबरें विस्तार से। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म मुंबई सागा का टीजर बुधवार को रिलीज कर दिया गया है। जॉन ने खुद भी सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर शेयर किया है। फिल्म में जॉन एक अंडरवर्ल्ड डॉन के किरदार में नजर आ रहे हैं, जबकि इमरान उनके पीछे लगे एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में है। टीजर देखकर पता चलता है कि फिल्म में पूरी तरह एक्शन का तड़का देखने को मिलेगा। संजय गुप्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए जॉन अब्राहम इमरान हाशमी पहली बार स्क्रीन साझा कर रहे हैं। 19 मार्च को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल और गुलशन ग्रोवर की भी अहम भूमिका है। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट सामने आ गई है। बुधवार 24 फरवरी को फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के जन्मदिन के खास मौके पर गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट अनाउंस की गई। साथ ही फिल्म का टीजर और आलिया भट्ट का नया पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया। आलिया भट्ट ने खुद फिल्म का टीजर और पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया। पोस्टर शेयर कर उन्होंने लिखा, गंगूबाई काठियावाड़ी 30 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। टीजर में आलिया के डायलॉग और दमदार लुक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कितनी शानदार परफॉर्मेंस ये देने वाली है। फिल्म में आलिया भट्ट फीमेल डॉन का किरदार निभा रही है। फिल्म की कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी पर लिखी किताब द माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित है। इस किताब को हुसैन जैदी ने लिखा है। एक्टर शाहिद कपूर गुरुवार 25 फरवरी को अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर उनके फैंस, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। इस बीच शाहिद की पत्नी मीरा राजपूत ने भी एक रोमांटिक नोट शेयर कर पति को बर्थडे विश किया है। इस पोस्ट में उन्होंने शाहिद के साथ एक नोट भी शेयर की। मीरा ने कैप्शन में लिखा कि मैं खुद को ज्यादा पसंद करती हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, मेरे जीवन के प्यार को 40वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आई लव यू बेबी। आर माधवन और कंगना रनौत स्टारर तनु वेट्स मनु की रिलीज को आज 10 साल हो गए। आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी यह फिल्म 25 फरवरी 2011 को रिलीज हुई थी। कंगना रनौत की माने तो इस फिल्म ने उन्हें करियर की दिशा बदलने में काफी मदद की। वे दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के बाद कॉमेडी करने वाली इकलौती एक्ट्रेस बन गई। कंगना ने ट्वीट के जरिए एक पोस्ट में लिखा, इस फिल्म ने मेरे करियर की दिशा बदल दी। इस फिल्म ने मुझे कॉमेडी के साथ मेनस्ट्रीम सिनेमा में एंट्री दिलाई। क्वीन और दत्तो के साथ मैंने अपनी कॉमिक टाइमिंग मजबूत की और दिग्गज श्रीदेवी जी के बाद कॉमेडी करने वाली इकलौती एक्ट्रेस बन गई। ब्राह्मण कम्युनिटी के विरोध के बाद ध्रुव सरजा और रश्मिका मंदाना स्टार कन्नड़ फिल्म पोगारू से 14 विवादित सीन हटा दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने यह फैसला कर्नाटक ब्राह्मण विकास बोर्ड और कर्नाटक फिल्म चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के बीच हुई मीटिंग के बाद लिया। 19 फरवरी को सिनेमाघरों में आई पोगारू कोरोना महामारी के बीच रिलीज हुई अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म है। इस पर ब्राह्मण समाज को गलत तरीके से दिखाए जाने के आरोप लग रहे हैं। फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि कुछ गुंडे हवन कर रहे ब्राह्मणों के साथ बदसुल्की करते हैं। एक अन्य सीन में भी गुंडे को ब्राह्मण के कंधे पर पैर रखे दिखाया गया है। बाकी विवादित सीन भी कुछ ऐसे ही हैं। विवादित सीन्स को हटाने का फैसला लेते वक्त फिल्म के डायरेक्टर नंद किशोर ने माफी मांगते हुए कहा कि वे किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने दर्शकों को यह तसल्ली भी दिलाई कि इन सीन्स के हट जाने से फिल्म किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए नौ समाचार को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करें। धन्यवाद।